ये रूस पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा हमला है। धमाका ऐसा हुआ कि सब कुछ कांपता रह गया, धरती कांपती रह। ये तस्वीरें हैं यूक्रेन के रूस के कब्जे वाले माकीवा शहर पर हमले की। बताया जा रहा है कि रात में किए गए हमले में यूक्रेनी फौज ने अमेरिका से हासिल किए गए हिमरास रॉकेट का इस्तेमाल किया। यूक्रेनी फौज ने दो रॉकेट टारगेट करके तेल और हथियारों के डिपो पर दागे रॉकेट्स ने सटीक निशाना लगाया। रॉकेट के टकराने से पहला धमाका छोटा था, लेकिन धीरे धीरे ये बड़ा होने लगता है। हथियारों के जखीरे में आग लगने की वजह से वहां छोटे छोटे रॉकेट छूटने लगते हैं, विस्फोट होने लगता है। थोड़ी देर बाद दूसरा बड़ा धमाका होता है, बेहद बड़ा। ये धमाका तेल डिपो में विस्फोट की वजह से था। विस्फोट के बाद हवा में आग का मशरूम बन जाता है। काफी दूर तक शॉक वेव जाती हुई दिखाई देती है, आसपास के इलाके की लाइट चली जाती है। इसके बाद काफी देर तक विस्फोट वाली जगह पर छोटे छोटे धमाके होते रहते हैं। इस घटना के जवाब में रूस ने पश्चिमी यूक्रेन के शहर लवीव पर मिसाइल दागी, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई, चार के जख्मी होने की खबर। इनकी संख्या बढ़ने की आशंका। इससे पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा था कि उन्हें खुशी है कि अमेरिका उन्हें मदद कर रहा है, साथ ही यूरोपियन देश भी। उनका कहना है कि वो रूस के खिलाफ कड़ा एक्शन ले रहे हैं, लेकिन उन्हें और हथियार चाहिए और रसद चाहिए। उनका कहना है कि इस सप्लाई में देरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे रूस को फायदा होगा और उनका मकसद पूरा नहीं हो पाएगा। इसके पहले अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा था कि यूक्रेन की फौज धीमे और रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। रूस के कब्जे वाले इलाकों पर यूक्रेन को फिर से कब्जा करने में वक्त लग रहा है, इससे देरी से दिक्कत हो सकती है। ये जितना लंबा खिंचेगा उतना ही ज्यादा जानमाल का नुकसान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।